फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। हम आपके हैं कौन? जी हाँ, दीपिका पादुकोण तो आए दिन सोशल मीडिया पर छाई रहती है, कभी अपने फिल्म के चलते तो कभी अपनी प्रेगनेंसी के चलते। पर अब दीपिका के एक स्टेटमेंट ने फिर मचा दी सोशल मीडिया पर हलचल। ऐसा क्या बोल गई दीपिका और किसके बारे में, चलिए बताते हैं आपको। दरअसल एक बार मीडिया से बातचीत में दीपिका ने बताया था कि उनके पापा प्रकाश पादुकोण को माधुरी दीक्षित पर जबरदस्त क्रश था। अरे ये तो हमें पता ही नहीं था, और भला कोई अपने पापा का सीक्रेट इस तरह सबके सामने कोई रिवील करता है। खैर जो हुआ सो हुआ, इस मौके पर दीपिका माधुरी के साथ मौजूद थी जब उन्होंने अपने पापा का मजेदार किस्सा शेयर किया। दीपिका ने बताया कि माधुरी की शादी के बारे में जानकर उनके पापा ने जो कुछ किया था उसका फैमिली वालों ने खूब मजाक भी बनाया था। एक्ट्रेस ने बताया था कि जब उनके पापा को माधुरी की शादी के बारे में पता लगा तो उन्होंने क्या किया था। आपको बता दें 2016 में दीपिका जब इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दे रही थी तब माधुरी को लेकर अपने पापा का किस्सा शेयर किया था। उन्होंने अपने पापा के हैबिट्स का भी जिक्र किया और बताया कि वो बाथरूम में अखबार पढ़ा करते हैं और कॉफी भी ले जाया करते हैं। उन्होंने बताया कि माधुरी की शादी की खबर जब आई तो वो इतने डिस्टर्ब हो गए थे कि पूरा दिन खुद को वॉशरूम में लॉक कर दिया था। दीपिका के पापा प्रकाश पादुकोण मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं और जैसे ही माधुरी की शादी की खबर आई तो वो इस कदर टूटे कि खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया। दीपिका की इन बातों को सुनकर माधुरी हैरान भी थी और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। उन्होंने बताया था कि पापा की आंखों के आसपास धब्बे हो गए थे, वो इतने दुखी हो गए थे। दीपिका की माँ उनसे ये भी पूछा करती थी कि वो बाथरूम में रो तो नहीं रहे थे। वैसे ये पहले ऐसे शख्स नहीं है जो माधुरी के लिए ऐसी हरकत कर बैठे हैं। माधुरी को लेकर बी टाउन के सितारों में खूब दीवानगी रही है। तभी तो एक बार फिल्म ये जवानी है दीवानी के दौरान रणवीर कपूर ने भी माधुरी दीक्षित को अपना क्रश बताया था और कहा था घाघरा के गाने में उनके साथ डांस करके एक्ट्रेस के साथ काम करने का उनका सपना पूरा हो गया। अरे इनकी हंसी ऐसी है कि इनकी हंसी को देखकर कोई भी फंस सकता है। कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं और इस तरह की खूबसूरत बातें तो होती रहनी चाहिए। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।